हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं होंडा की एमेज है, 2018 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो गाड़ी अभी चालू पोजीशन में है जैसा कि देख पा रहे हैं, लेकिन बट इसका एसी कूलिंग हो ही नहीं रहा है। एसी चालू है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है। तो मैंने इसका गैस चेक किया, गैस नहीं था। तो नाइट्रोजन का प्रेशर मारा, नाइट्रोजन का प्रेशर मारने के बाद अंदर से यानी कूलिंग कॉइल में से आवाज़ आ रहा था और स्मेल भी आ रहा है, तो इस वजह से इसका कूलिंग कॉइल लीकेज हो गया। तो हम इस वजह से इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा मेरे को, वो सब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है वो सब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर मैं इसका डैशबोर्ड खोलने के लिए स्टार्ट करेंगे और आगे आपको दिखाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मैंने डैशबोर्ड खोलना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल दिया है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, बैटरी की वायर मैं निकाल चुका हूँ। और सबसे पहले मेरे को ये कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा। तो कंसोल बॉक्स के लिए दो साइड में स्क्रू दिया हो रहता है, एक इधर और एक इस साइड दिया हो रहता है। उसके बाद ये इजीली आपका निकल जाएगा खींचेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं। ये वाली फाइबर को निकाल देंगे और ये आपका ऊपर आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। बस इसमें दो ही स्क्रू रहती है, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ दो सॉकेट रहेगी, वो दोनों सॉकेट मैं निकाल के फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें एक स्क्रू रहता है, ये स्क्रू नहीं खोल देने का और ये निकल जाएगा इजीली। इसका दोनों सॉकेट भी निकल गया अपना, और उसके बाद ये इजीली पूरा बाहर आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं इसको बाहर ले लेता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने उसको निकाल दिया और ये वाली पट्टी खोलने के बाद ही ये वाली फाइबर जो है यहाँ लगी रहती है, ऐसा रहता है। ये खोलने के बाद ही आपका ये कंसोल बॉक्स निकलेगा, उसके बाद स्क्रू खुलेगी। तो ये निकालने के बाद ही आपका वो अपना कंसोल बॉक्स खुलेगा और ये वाला खींच के इसको ईजिली निकल जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये वाली सॉकेट है यहाँ, ये सॉकेट निकाल देता हूँ मैं, निकल गया। उसके बाद आपको ये वाली साइड पैनल खोलना पड़ेगा और ये वाली साइड पैनल इसको यहाँ पकड़ के ऐसा खींचेंगे तो ये इजीली निकल गया, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। अब आगे का मैं क्या क्या खोलना पड़ रहा है, मैं फिर वो खोल के फिर मैं आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पूरा खुल चुका है अपना। और आगे क्या क्या खोलना पड़ रहा है मेरे को, मैं वो वीडियो के साथ बताऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, खोल के दिखाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ, खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ। और हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ना जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें हर एक चीज़ रियल चीज़ें आपको दिखाई, रियल चीज़ें दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई फॉल्स वगैरह कुछ, सब ट्रू चीज़ है इसमें, जो भी दिखा रहा हूँ सब रियल है। तो चलो फिर मैं आगे अपना काम करके आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, मेरी गाड़ी की पूरी डैशबोर्ड खुल चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गियर बॉक्स को खोला हूँ मैं, गियर बॉक्स को खोल के पलटी मार दी हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिक गियर है, खोल के पलटी मार दिया हूँ। और एयरबैग की जो सॉकेट है, एयरबैग की लाइन आई है, जो ये सब देख रहे हैं, एक अर्थिंग है, ये एयरबैग की मॉड्यूल की सॉकेट है, ये सब खोलना पड़ा है मेरे को। और उसके बाद ये सब क्लिप निकालना पड़ा है मेरे को, ये अर्थिंग का बता दिया। और इसका जो डैशबोर्ड अलग एंगल के साथ निकलेगा और कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाद में निकलेगा। तो ये ब्लोअर की सॉकेट, उसके बाद ये रेजिस्टेंस की सॉकेट, ये हीटर का, ये डायरेक्शन केबल और हीटर केबल और आउटसाइड एयर का केबल। उसके बाद ये इसको साइड कर लिया हूँ, साइड पैनल को खोल के ये देख पा रहे हैं आप, ये दो सॉकेट निकालना पड़ेगा। एक एयरबैग की सॉकेट है, ये तीन सॉकेट है, सॉरी, ये तीनों सॉकेट निकालना पड़ेगा। इधर का बाकी सब खुल गया है मेरा। और साइड का जो देख पा रहे हैं, एक 12 नंबर यहाँ रहता है और एक दरवाज़ा खोलेंगे, पूरा खोलेंगे तभी जाके वो दिखेगा, वो खुलने का रहता है 12 नंबर। उसके बाद ये साइड पैनल यहाँ का खोला हूँ और ये वाली सॉकेट। उसके बाद इस साइड दिखा देता हूँ मैं आपको क्या क्या खोला हूँ। ये वाला पैनल बिल्कुल अलग ही कर दिया हूँ यहाँ से खोल के। उसके बाद ये तीनों सॉकेट, उसके बाद ये जो देख रहे हैं BCM की सॉकेट, एक ये सॉकेट, उसके बाद ये दो जो सॉकेट है, बाहर की सॉकेट है ये, यानी मिरर का सॉकेट है ग्लास का। उसके बाद ये वाली सॉकेट, ये सॉकेट, ये वाली सॉकेट, ये सब निकालने के बाद स्टीयरिंग कॉलम खोल के मैं ये एडजस्टेबल करने का रहता है, ऊपर ले लिया हूँ। जैसा कि देख पा रहे, हाइड्रोलिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक नीचे आता है, ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है। उसके बाद ये
पावर स्टेयरिंग का सॉकेट, उसके बाद ये 10 नंबर, उसके बाद इस साइड का भी सेम पोजीशन है, ये वाला 12 नंबर यहाँ का खोला हूँ, और एक यहाँ 12 नंबर जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाला, ये बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि दरवाज़ा पूरी तरीके से खुली नहीं है इसकी वजह से। बाकी सब डैशबोर्ड खुल गई है मेरी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मेरे को बाहर क्या खोला हूँ वो ज़रा दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं बाहर सिर्फ मैं कूलिंग कॉइल के पास का एक्सपेंशन वॉल के पास का जॉइंट खोला हूँ, और उसके बाद हीटर पाइप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये दोनों खोल दिया हूँ। अभी तो मेरे को खोलने की ज़रूरत नहीं है लेकिन खोल दिया हूँ, उसके बाद कंट्रोल यूनिट निकलेगा, पहले मेरा डैशबोर्ड निकलेगा। तो चलो फिर मैं आपको डैशबोर्ड पलटी मार के फिर आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मेरी फाइनली सब खुल चुका है डैशबोर्ड, लेकिन मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया हूँ, जो कि बाहर कॉल पैनल खोल के वो एक 10 नंबर खोलना पड़ता है, वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। तो चलो बाहर लेके जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कौन सा खोलना पड़ता है। जैसा कि देख पा रहे हैं कॉल पैनल खुल चुकी है मेरी, लेकिन ये वाली एक लॉक रहता है इसमें, ये वाली रबड़ का। तो ये खोलने के बाद ये वाली 10 नंबर जो सामने दिख रही है आपको, वहाँ देख पा रहे हैं ये वाली 10 नंबर है, ये वाली खोलना पड़ेगा आपको। देख पा रहे कैसा बोल्ट दिया है। तो फाइनली मेरा सब खुल चुका है, तो फाइनली मेरा सब कुछ खुल चुका है। मैंने बाहर भी दिखा दिया क्या खोला हूँ बाहर में। तो चलो फिर मैं इसको पलटी मार के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं डैशबोर्ड पूरी खोल चुका हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं पूरी डैशबोर्ड खुल चुकी है। अब मेरा रहा ये कंट्रोल यूनिट, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट। तो इसको खोलने के लिए 10 नंबर एक यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है और एक नीचे है जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, और एक इस साइड रहेगा, एक वहाँ है। बस ये सब खोल के फिर मैं आपको बाहर लेकर के क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को बाहर लेकर के फिर दिखाता हूँ। तो चलो फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं सब नट बाहर से खोल लिया हूँ, अंदर से जो भी जितना था पाँचों के पाँचों खोल लिया हूँ, और एक 12 नंबर बाहर से दिया हुआ रहता है वो भी खोल दिया हूँ। और जैसा कि देख पा रहे हैं ये इजीली अपना निकल गया, ये रही जो 12 नंबर बाहर से दिया हुआ रहता है। तो मैं फाइनली इसको खोल लेता हूँ, खोल लिया हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं आप। चलो फिर मैं इसको बाहर लेता हूँ, बाहर लेके फिर आपको आगे दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं कंट्रोल यूनिट को बाहर ले लिया हूँ, और ये रही हीटर कॉइल इसका, ताकि देख पा रहे हैं हीटर कॉइल को बाहर ले लेता हूँ। देख पा रहे हैं हीटर कॉइल कैसा दिख रहा है, और इसका स्क्रू है एक इधर एक इधर, 2, 3, 1, 4, एक यहाँ, ये वाली 5, और एक ये रही 6, और यहाँ एक रही 7, 8, एक यहाँ रही 9, टोटल 10 स्क्रू है, 10-11 स्क्रू है। ये सब खोल दिया हूँ, खोलने के बाद फिर मैं इसको बाहर लेता हूँ, बाहर लेकर के फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये सब मैं खोल चुका हूँ, और ये बाहर भी निकल गया जैसा कि देख पा रहे हैं आप। और ये रही ब्लोअर, ये रही कूलिंग कॉइल, जैसा कि देख पा रहे हैं इधर से लीक हो गया है, सामने से दिख रही है। तो चलो मैं कूलिंग कॉइल को बाहर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली कूलिंग कॉइल को निकाल चुका हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं कैसा कूलिंग कॉइल है इसका, देख पा रहे हैं। तो चलो फिर नया वाला कूलिंग कॉइल मैं आपको लाके दिखा देता हूँ, फिर फिटिंग कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रही नया वाला इवापोरेटर कॉइल, और प्राइस भी कितना है वो भी देख लीजिए आप, MRP 3511 रुपये का ये है, सैंडन का है, ओरिजिनल है। आपको खोल के भी दिखा देता हूँ मैं। ये रही, तो इसमें एक्सपेंशन वाल नहीं दिया है जाके देख पा रहे हैं, क्लिंग कॉइल कैसा दिख रहा है, क्लिंग वाली ये रही, इसमें एक्सपेंशन वाल नहीं दिया है, मेरे को ये वाला एक्सपेंशन वाल इसमें लगाना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं इसका एक्सपेंशन वाल इसमें लगा के आपको दिखा देता हूँ, लगा देता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं एक्सपेंशन वाल लगा दिया हूँ नया वाला इवापोरेटर कॉइल में, और ये सेंसर का जूने वाले कूलिंग कॉइल ये देख रहे हैं आप, जूना वाला कूलिंग कॉइल में सेंसर का जो लोकेशन था यहाँ था, तो वही लोकेशन में मैं इसको भी बैठा दिया हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये रही बॉडी इसका यूनिट,
ये जो यहाँ जो इसको प्रेस करके ऊपर खींचेंगे तो निकल जाएगा, और ये वाली कॉइल इस तरीके से यहाँ बैठ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं बैठ गया। तो चलो फिर मैं सब ये सब फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिलिंग कॉइल फाइनली फिट हो चुका मेरा, और मैं इसके ऊपर का ट्रे बैठा करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली इसको फिट कर दिया। जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली फिट हो चुकी है अपनी। कंट्रोल यूनिट का जो एक्सपेंशन वाल चेंज किए थे अपन, सब फिट हो चुका प्रॉपर तरीके से। अब चलो मैं इसको गाड़ी में बैठा करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलो गाड़ी में फिटिंग करने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली कंट्रोल यूनिट, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट जो है यहाँ बैठा दिया हूँ गाड़ी में। और ये रही डैशबोर्ड मेरा, बस बैठा के सब टाइट कर दिया हूँ, सब जितना भी बोल्ट खोला था। खोलने के बाद सब टाइट हो चुका है, फिटिंग हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब मेरे को डैशबोर्ड डालता हूँ और फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली डैशबोर्ड मैं डाल दिया हूँ गाड़ी में। जैसा कि देख पा रहे हैं अब मेरे को सब फिटिंग करना है, ये सब कुछ फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं सब खुली है, सब मैं डैशबोर्ड डाल दिया हूँ, और स्टेयरिंग कॉलम वगैरह जितना भी कुछ सॉकेट वगैरह निकाला हूँ मैं, सब फिटिंग करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो मेरे वीडियो में अगर आप नए हो तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहे, फुल वीडियो देखे, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। चलो फिर। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने डैशबोर्ड लगभग फाइनली फिट कर दिया, सब कुछ जो जो भी कुछ भी खोला था सब फिटिंग कर दिया हूँ। गियर बॉक्स वगैरह जैसा कि देख पा रहे, सॉकेट वायरिंग वगैरह सॉकेट सब लगा दिया हूँ। साइड का पैनल, साइड का 12 नंबर वगैरह जितना भी सॉकेट वगैरह खोला था सब फिट कर दिया हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टेयरिंग कॉलम भी बैठा दिया हूँ, ये वाली सॉकेट भी लगा दिया हूँ, स्टेयरिंग कॉलम भी बैठा दिया हूँ। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, ये वाली जो दो 12 नंबर देख रहे हैं, ये वाली पट्टी आपको खोलना पड़ेगा। एक ऊपर दिया हुआ रहता है 12 नंबर, जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाली खोलेंगे तभी आपका डैशबोर्ड खुलेगा। तो बाकी सब मेरा फिट हो चुका है, जैसा कि देख पा रहे हैं सब सॉकेट वगैरह लगा दिया हूँ, और सिर्फ कंसोल बॉक्स मेरे को बैठाना बाकी है। फिर कंसोल बॉक्स बैठा करके मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो चलो फिर फिटिंग करते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी अपनी पूरी फाइनली फिट हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो जो भी खुला हुआ था सब फिटिंग कर दिया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब फाइनली सब फिट हो चुका है अपना, देख पा रहे हैं। तो चलो, मेरा बाहर थोड़ा कॉल पैनल खुला है, कॉल पैनल लगा करके एक्सपेंशन वाल, कूलिंग कॉइल का जॉइंट वगैरह सब बैठा करके फिर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। चलो फिर बाहर दिखा देता हूँ खुला हुआ है जो मेरा। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटर कॉइल, एक्सपेंशन वाल के पाइप जॉइंट, और एक ये वाली 12 नंबर, और कॉल पैनल वगैरह फिटिंग करके वाइपर ब्लेड फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलो फिर फिटिंग करने लग जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने फाइनली बाहर भी सब फिट कर दिया है। जैसा कि देख पा रहे हैं एक्सटेंशन वाल सब लगा दिया हूँ। अब मैं इसमें गैस चार्जिंग को लेके जा रहा हूँ, तो चलो फिर गैस चार्जिंग वगैरह करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं हाई और लो दोनों एडेप्टर मैंने लगा दिया है, और जैसा कि देख पा रहे हैं 0-0 प्रेशर दिखा रहा है इसमें अभी। तो मैं इसको वैक्यूम में लगा लेता हूँ जब तक के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लीक भी टेस्ट करना है इसी पे। और ऐसे तो आप नाइट्रोजन प्रेशर मार के लीक टेस्ट कर सकते हैं, और मैं वैक्यूम में ही लीक टेस्ट कर लूँगा। तो चलो फिर, मैं इसको 10-15 मिनट के लिए वैक्यूम को लगा दिया हूँ, और चलो फिर 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं हम। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे वैक्यूम अपना कंप्लीट हो गया, और जैसा कि देख पा रहे मैंने 15 मिनट का वैक्यूम लगाया था और 15 मिनट होल्डिंग पे रखा है, तो फिर भी कुछ लीकेज वगैरह नहीं बता रहा है, 0 के ऊपर 0 काटा ही है। तो चलो फिर मैं इसमें गैस मार देता हूँ। सारे 400 ग्राम गैस मार देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं गैस फिल हो चुका है। तो चलो फिर मैं अंदर जाता हूँ, अब अंदर जा करके गाड़ी चालू करके फिर आपको कूलिंग और हीटिंग टेम्परेचर दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और गाड़ी मैं चालू कर रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे गाड़ी चालू हो चुकी है अपनी, और ब्लोअर चालू है, एसी चालू रखा हूँ, कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 21 पे है अभी। तो थोड़ी देर गाड़ी चालू रखता हूँ और एसी चालू रखता हूँ, और देखता हूँ कूलिंग टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है, प्रॉपर कूलिंग हो रहा है क्या नहीं। तो जब तक के लिए मैं वीडियो होल्ड कर रहा हूँ और देखता हूँ कूलिंग टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है।
तो जैसा कि देख पा रहे हैं कूलिंग टेम्परेचर 7.5 पे आ चुका है, यानी कूलिंग प्रॉपर हो रहा है। और ये जो जैसा जो केबल खोला था मैंने, जैसा कि देख पा रहे हैं प्रॉपर चल रहा है। ब्लोड की स्पीड भी देख लीजिए, प्रॉपर चल रहा है। अब इसको मैं हीटिंग पे ले लेता हूँ और हीटिंग टेम्परेचर देखते हैं बाहर रहा है क्या नहीं। जैसा कि देख पा रहे हैं बाहर रहा है, तो थोड़ी देर वीडियो होल्ड करता हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है। ये आउटसाइड का एयर भी प्रॉपर चल रहा है, अभी सब प्रॉपर हो चुका, सब फिटिंग वगैरह सब प्रॉपर हो गया। तो हेलो दोस्तों, आपको आप अगर एयर कंडीशन कार के एयर कंडीशन सिस्टम से अगर इंटरेस्टेड हो, या फिर आपको कुछ समझ में ना आओ ना आता हो, या फिर आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी हो, आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं रिप्लाई आपका ज़रूर करूँगा। और ये कूलिंग कॉइल जो मैंने जो चेंज किया, जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें प्राइस वगैरह सब दिखा दिया हूँ कितने का है और कौन सी कंपनी का है, सैंडन का है। और ये कूलिंग कॉइल जो लीक होता है ना, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कभी भी लीक होता है तो ये एयर जिधर से इंटेक करता है ना, उधर से ही लीक होता है। क्यों लीक होता है आप ये कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कूलिंग कॉइल लीक क्यों होता है इतना जल्दी। कोई कोई कार ऐसा होता है कि अभी जैसे 2021 का मॉडल, एक कार आई है अपने पास MH 2021 का मॉडल है, लेकिन बट उसका कूलिंग कॉइल लीकेज हो गया है। तो ये सब रीज़न क्यों कूलिंग कॉइल लीकेज हो जाता है इतना जल्दी, गाड़ी अभी लॉन्च होता नहीं, उससे जल्दी पहले ही एक साल चलती नहीं गाड़ी के, इतने में कूलिंग कॉइल लीक होने लगता है, तो ये सब चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये सब वीडियो ना सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि आपको चीज़ें अगर समझ में आ जाए ना तो आप किसी के पास अगर रिपेयर भी करवाने जाएंगे ना, तो आप वहाँ जा करके आपको कोई चूतिया नहीं बना सकता है, आपको कोई गधा बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास अगर कार है, कोई भी कार हो, तो उसका 100% नहीं, फिर भी 50% तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। अगर 50% नॉलेज नहीं होगा तो आप कहीं भी जाएंगे लुटा के आ जाएंगे और आपका काम भी नहीं हो पाएगा। तो चलो फिर मैं इसका हीटर टेम्परेचर दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर 64 पे आ चुका है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है, अभी सब प्रॉपर एग्जैक्टली चल रहा है अभी। तो आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे ना, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा ना, तो मुझे खुशी से बनाऊंगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।